सार्थक रहती है इस विद्यालय से, आपका भी ये विद्यालय शुक्रिया अदा करता है, सम्मान करता है। हमारे बीच में हमारे मित्र लक्ष्मी गंगवार जी, जिनका बहुत बड़ा कारोबार है जगत मर्चेंट का, विद्यालय के लिए हमारे लिए हमेशा सहयोग करते हैं और हर तरीके से मदद करते हैं। तो मैं उनके, उन्होंने जितना मेरा सहयोग किया है, मैं उस सहयोग के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने जितने भी जेंट्स टीचर हैं सभी से चाहूंगा कि अतिथि गणों का माल्यार्पण करके उनका सम्मान किया जाए। आप लोग तालियां बजाते रहे। हेलो, सब कुछ चल रहा है, हाथ पकड़ने वाला है। तू लेंस क्यों चला, तू फोटो से क्लिक करता है, लेंस को वहीं छोड़ दो, रुक जा, अरे फोटो ना खींचा कहाँ से, पहले साइड कर ले, अपने आप चलेगा, लेंस चलाता रहेगा कहाँ चल जाएगा। हमारे बीच में जो अतिथि करें बच्चे आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो सबसे पहले मैं प्रधान जी से चाहूंगा, इसके बाद मैं जो हमारे समाज सेवक हैं डीलर साहब उनसे मैं चाहूंगा, इसके बाद में मैं गंगवार साहब से चाहूंगा कि दो शब्द बच्चों को कहेंगे तभी स्थान ग्रहण करें। बोलो, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये 15 अगस्त के रूप में मनाया जा रहा है और सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुजारिश है कि आप जो है अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से पढ़ें, ये मेरा आपसे कहना है। धन्यवाद। अब मैं अपने डीलर साहब से चाहूँगा, समाज सेवी हैं, हर दिल अधीन हैं आप, लोगों के सुख दुख में काम आते हैं और जनता के सेवक हैं, अन्न देते हैं सभी के लिए, सभी की दुआएं लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि बच्चों को 15 अगस्त के मौके पे ये, लेकिन पहले हम लोगों को बहुत बुरी तरीके से देखा जाता था, हमको नहीं देखा, पहले तो पहले के जमाने में थे उनको बहुत बुरी तरीके से देखा था, नहीं देते थे कुल मिला। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लोग चले गए यहाँ से, तो पूरी तरीके से आज़ादी मिल गई और इसलिए हमें पढ़ाई लिखाई पर करना चाहिए और पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए पढ़ाई लिखाई के बाद जो है कोई बच्चा ये बनता है, कलेक्टर बनता है, बड़ी अच्छी बात है। सभी क्षेत्रवासियों व आर पी पब्लिक स्कूल परिवार के लिए दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं क्षमा मांगता हूँ कि सरकार एजुकेशन एक टाइमली था, लेकिन मुझे ज़्यादा काम होने की वजह से मैं टाइम से नहीं आ पाया, इसके लिए मैं सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ। और ये जो सांसद आपने बताई और आपका हमारे बच्चों का हौसला अफजाई किया, आपके लिए हम बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। और सभी बच्चों का जो है हमारे सभी अतिथिगण ने मान मनोबल बढ़ाया है, सभी का हौसला अफजाई किया है। अभी कार्यक्रम हमारे पास शेष है, और भी कार्यक्रम है, लेकिन ये जो टेंथ क्लास है हमारे और भी भैया आए हुए हैं। देखिए सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और मेरी बात कोई नहीं टालता। कुछ बच्चे जो है मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ों की बात मानना चाहिए। अगर हम चोरी छुपके से वीडियो बना लेंगे,
बाई चांस कभी पता चलेगा कि उस बच्चे ने ये वीडियो बनाई और मेरे कान तक आवाज आए कि उस बच्चे का ये नाम है, यहाँ का रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं मेरी नजरों में तो वो बच्चा गिर जाएगा। वो एक शेर नहीं है कि पहाड़ों की बेन का ऊंचाई से गिरकर उठना मुमकिन हो सकता है, पहाड़ों की बेन का ऊंचाई से गिरकर उठना मुमकिन हो सकता है, लेकिन निगाहों से गिरकर उठना नामुमकिन होता है। तो ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, इन सबकी वीडियो जो है कल आपको स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, तो कृपया इनका मान मनपर बढ़ाएं, इनका हौसला अफजाई करें, ना वीडियो बनाएंगे और ना ही प्रांगण में बैठ के मोबाइल दिखाएंगे और ना ही स्क्रॉल करेंगे। हमारे कार्यक्रम में आप लोग ने इतना सहयोग किया है, थोड़ा सा और सहयोग आपका चाहिए। तो अब मैं संचालक महोदय जी से कहूँगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।